नमस्कार दोस्तों, मैं निधीश फ्रॉम अन्य टेक्नोलॉजी टेली सर्टिफाइड पार्टनर। आज दोस्तों मैं टेली का एक नया और फीचर के बारे में बताऊंगा कि सिंगल इनवाइस में मल्टीपल टैक्सेस कैसे इनेबल करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट, बहुत सी यूजर जो टेली ऑलरेडी टेली यूज कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि हम सिंगल इनवाइस में भी 12% हो, 18% हो, 5% हो, मल्टीपल टैक्सेस एक ही इनवाइस में इनेबल कर सकते हैं, या सर्विस भी उसमें इनेबल करना है, सर्विस का भी बिल बनाना है आइटम के साथ तो वो भी हम कर सकते हैं, फ्रेट चार्ज को जीएसटी के साथ इनेबल करना है वो भी कर सकते हैं। बहुत यूजर को नहीं पता होता दोस्तों, तो अलग अलग इनवाइस वो बनाते हैं, 18% के अलग इनवाइस बनाया, 12% का अलग बनाया, क्योंकि सिंगल अगर किसी कंपनी या किसी कस्टमर को हमें बिल देना है तो चार आइटम है तो दो आइटम 12% के, दो आइटम है हमारे 18% के, तो हम उनको दो इनवाइस देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। आप सिंगल इनवाइस में ही मल्टीपल टैक्सेस क्रिएट कर सकते हो। आइए कैसे क्रिएट होता है, कैसे इनेबल होगा, मैं आपको आज लाइव आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं टैली ओपन करता हूं। सेलेक्ट कंपनी, एंटर, यहां पे मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी अगर टैली के यूजर हैं तो आपको मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग वाउचर में मैं गया, यहां पे मैं एफिट करूंगा सेल के लिए, यहां पे मैंने वाउचर टाइप बना रखे हैं जीएसटी सेल, यहां पर रेफरेंस नंबर देना है तो आप दे सकते हो। आज की डेट ले लेता हूं मैं टुडे, टैली में एक फीचर है दोस्तों कि टुडे लिखेंगे तो आज की डेट आ जाएगा, एंटर, टैली सॉल्यूशंस के नाम से मैं कर देता हूं। यहां पे मैंने एक सेल लेजर बना रखा है, सेल सर्विस जीएसटी, जिसका नाम ही मैंने सेल सर्विस जीएसटी रखा है, इसको मैंने कंट्रोल एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके सेल्स अकाउंट में ले रखा है इसको, यहाँ पे कोई टैक्सेस इनेबल नहीं कर रखा है, आप यहाँ पे सेल अकाउंट्स में कोई टैक्सेस इनेबल नहीं करेंगे। अगर आपको मल्टीपल एक सिंगल इनवाइस में अगर मल्टीपल टैक्सेस करने हैं तो आप सेल के लेजर में कोई टैक्सेस इनेबल नहीं करेंगे, ओनली सेल अकाउंट बस। अब यहाँ पे मैं एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, आइटम ऑलरेडी है मेरे पास लेकिन आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं एक ले लेता हूँ कीबोर्ड, कीबोर्ड ऑलरेडी है, कीबोर्ड वन लग दी, कीबोर्ड वन करके मैंने आइटम क्रिएट कर दिया, इसको प्राइमरी में ले लिया, यहां पे नंबर्स ले लिया दोस्तों, एंटर, यहां पे जीएसटी अप्लीकेबल, यस, एचएसएन कोड मैंने कुछ भी रख दिया, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो इसका, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, ये मेरा कीबोर्ड है 18% का, 99% ये डिवाइड हो गया, गुड्स है, यस, वैट नॉट अप्लीकेबल, मैंने क्वांटिटी ले लिया 100 रुपए की। सेकेंड आइटम अल्टसी, माउस ऑलरेडी है, माउस वन, नंबर्स, अप्लीकेबल जीएसटी, यस, एचएसएन कुछ भी दे सकते हो आप, टैक्सेबल, ये मेरा आइटम है 12%, गुड्स नॉट अप्लीकेबल, ये ले लिया मैंने माउस एक, 50 रुपीज, अल्टसी, वायर, नंबर्स, केवल आपको आइटम में डिफाइन करना है कि टैक्स मेरा कितने परसेंटेज का है, आपको सेल लेजर में डिफाइन नहीं करना है। अगर आपको सिंगल इनवॉइस में मल्टीपल टैक्सेस करने हैं, ये सपोज मेरा 5% है, गुड्स, वायर ले लिया 2 मैंने 10 रुपीज के हिसाब से,
अब ये मेरा टैली सॉल्यूशन क्या है, आउट ऑफ स्टेट, मेरा ऑफिस क्या है दिल्ली में, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे IGST। देखिए ये ऑटोमेटिक टोटल पे ये टैक्स क्रिएट कर दे, आपको चेक करना है तो टैक्स एनालाइज में करेंगे क्लिक कि इसने टैक्स में क्या क्या टैक्सेस लिए हैं, यहाँ पे आपको दिखा दिया डिटेल में इसने, ये देख लीजिए इंटीग्रेटेड टैक्स लगा हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू 233 रुपये, 18% पे टैक्स ड्यूटी हुए 36 रुपीज, कीबोर्ड पे क्या लगा हुआ है 18%, माउस पे क्या हुआ है 12%, वायर पे क्या है 5%। आप कभी भी दोस्तों अगर आप इनवाइस बिल बना रहे हैं तो अगर आपको चेक करना है कि ये राइट्स हैं कैलकुलेशन या नहीं है तो आप यहाँ पर टैक्स एनालाइज में क्लिक करके आप शो कर सकते हो, टैक्स एनालाइज पे क्लिक किया, डिटेल में क्लिक किया, ये आपको पूरा आपको टोटल आइटम का दिखा देगा, टोटल आपका क्या टैक्स बना है 36.82। एंटर यस, आपको इनवाइस चेक करना है, ऑल चेक, कीबोर्ड माउस वायर, ये आपने देखा HSN कोड जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे 84 रेट, ये 44, ये 9.2 के हिसाब से ये आपका यहाँ आ गया। यहाँ पे आप देखिए टैक्सेबल वैल्यू, ये आपके इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, 12%, 5%, ये आपके टोटल टैक्स अमाउंट ये बन गया। आपको अगर यहाँ पे भी कॉलम शो करना है तो यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो, ये जब ऑल्ट टी F12 जीएसटी रेट, यहाँ आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, यहाँ पे प्रिंट जीएसटी, जीएसटी प्रिंट जीएसटी कॉलम, यहाँ पे आप यस चैट, यहाँ पे देखा आपने सारे तीनों आइटम के सामने ये आ गया 18%, 12%, 5%। इस तरीके से दोस्तों आप सिंगल इनवाइस में मल्टीपल टैक्सेस क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें आप सपोज करो आपको सर्विस भी ऐड करना है कि मैंने वहां पे जाके कीबोर्ड माउस वायर दिया है, सर्विस भी दी है, तो आप सर्विस कैसे ऐड करोगे, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एंटर करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया अल्ट सी सर्विस, डायरेक्ट इनकम, सर्विस इनकम में मैं जीएसटी अप्लीकेबल कर देता हूँ, सर्विस आपका 18% का होता है, जो भी सर्विस का HSN कोड हो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आ गया आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सर्विस किस तरीके, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ दे रहे हो इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देना है दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप नॉट अप्लीकेबल कर दिया, टैक्सेबल 18% सर्विस, यहाँ पे आप गुड्स नहीं लेंगे, सप्लाई ऑफ टाइप सर्विस, यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं, नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे मैंने सर्विस ले लिया 200 रुपये। अब मैं IGST लगाता हूँ, अब देखिए GST भी आपका 72 हो गया। अब मैं फिर से चेक करता हूँ टैक्स एनालाइज डिटेल्स, अब यहाँ पे देखिए सर्विस पे मेरा 18% लग गया, कीबोर्ड पे भी लग गया 18%, माउस पे भी 12% और वायर पे भी 5%, यहाँ आपको डिटेल में सारा इसने दिखा दिया। अब मैं ऑल्ट पी करके देख लेता हूँ, यस ऑल्ट जेड, यहाँ पे सर्विस भी दे दिया मैंने आपको 18%। आपने देखा कि सिंगल इनवाइस पे ही मैं कर रहा हूँ, सिंगल इनवाइस मैंने आइटम भी तीन दिए हैं, सर्विस भी दे दिया 200 रुपये का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रेट चार्ज, फ्रेट चार्ज पे भी GST कैसे लगेगा। अब फ्रेट आप चाहे पहले लगा सकते हो चाहे बाद में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अल्ट सी करता हूँ फॉर फ्रेट CHARGES इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस जिसमें कर सकते हो आप, एंटर करेंगे, यहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल
नॉट अप्लीकेबल लेंगे, बट नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा इंक्लूडिंग एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ पे आप जीएसटी लोगे। यहाँ पे पूछ रहा है अप्रोप्रिएटेड टू, यहाँ गुड्स या सर्विस, मैंने कर दिया बोथ। मेरा जब भी फ्रेट चार्जेस चाहे गुड्स पे हो चाहे सर्विस पे हो, सर्विस टैक्स जीएसटी लेना चाहिए ऑटो कैलकुलेशन। अब मैंने ले लिया फ्रेट चार्ज 100 रुपए। अब मुझे चेक करना है कि फ्रेट चार्ज पे जीएसटी लग गया नहीं, क्योंकि फ्रेट चार्जेस दोस्तों क्या होता है, टोटल वैल्यू का कुछ परसेंटेज ये करता है, ऐसा नहीं कटे 18% इस पे कटेगा या 12% कटेगा, टोटल वैल्यू पे ये ऑटो कैलकुलेशन करता है। यहाँ पे टैक्स एनालाइज कर देंगे डिटेल्स, ये माउस कीबोर्ड माउस वायर इनवाइस में मैं चेक कर लेता हूँ। टोटल वैल्यू मेरी क्या आ रही 622 रुपए, टैक्स इस पे काट रहा है टैक्सेबल वैल्यू 89 रुपीज, 18 12 टैक्सेबल वैल्यू क्या हो रहा है 533। इक्यासी रुपए टैक्स अमाउंट बना, 6 रुपए 1 रुपए 17 पैसे टोटल अमाउंट में इसने डिवाइड कर दिया। अगर मैं अभी फ्रेट चार्ज हटा के देखता हूँ कि कितना अमाउंट बना है, अभी ये देखिए आपने ये आ गया 72 रुपीज। आप फ्रेट चार्ज जैसे लगाओगे वो ऑटोमेटिक सारे अमाउंट में 18 पे 12 पे 5 पे डिवाइड कर देगा। यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रेट चार्जेस 100 रुपए, अब यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया 89 रुपीज। तो ये क्या करता है, ये जो फ्रेट चार्ज है टोटल सर्विस अमाउंट जितने भी अमाउंट है सबको डिवाइड कर देता है, डिवाइड करने के बाद जो आपका जीएसटी लगेगा ऑटो कैलकुलेशन उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम सिंगल इनवाइस में मल्टीपल टैक्सेस सर्विसेज और ये फ्रेट चार्जेस पे कैसे लगाएंगे, आपने देखा किस तरीके से मैंने इनेबल किया। तो आप सिंगल इनवाइस पे सारे आइटम चाहे आपके 10 आइटम हो चाहे मल्टीपल टैक्स हो, अभी 18 12 5 जितने भी टैक्सेस हैं आप लगा सकते हो सिंगल इनवाइस पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इनेबल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि मैं आपको आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो आपको लाता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।